घुमारवीं उप तहसील के पनियाला कुठेड़ा में कमलनाथ के लिए निकला श्रद्धालुओं का जत्था। हर साल श्रद्धालुओं के लिए 4 दिनों तक भंडारा लगाया जाता है। मंडी जिला के रोहाड़ा नामक स्थान से लगभग 6 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित कमलनाथ का मंदिर बना हुआ है और हर साल हजारों की संख्या में अपनी मनोकामनाएं पूरे करने के लिए श्रद्धालुओं का यहां आना जाना लगा रहता है। वहीं पर विभिन्न जगह से आए सामाजिक सेवक भी अपनी आस्था को लेकर वहाँ पर भंडारे का आयोजन करते हैं। मंडी जिला के रोहाड़ा नामक स्थान से करीब 6 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित कमलनाथ का मंदिर बसा हुआ है और हर साल हजारों की संख्या में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए श्रद्धालु यहां आते जाते रहते हैं। वहीं पर विभिन्न जगह से आए सामाजिक सेवक भी अपनी आस्था को लेकर यहां पर भंडारे का आयोजन करते हैं। बिलासपुर जिला के घुमारवीं उप तहसील के पनियाला कुठेड़ा से सामाजिक संस्था लगातार पिछले 8 सालों से पूरी संस्था के साथ कमलनाथ में 4 दिन तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन करती है, जिसके चलते संस्था कमलनाथ के लिए पूरे जोश वो हिम्मत के साथ रवाना हो गई। संस्था के प्रधान ने बताया कि हर साल हमारी संस्था के साथ लोग जुड़ रहे हैं और हमारी संस्था को पूरा सहयोग कर रहे हैं। कमलनाथ सेवा दल को इस साल 8 साल हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सेवा करने से उनके मन को सुकून मिलता है। प्रधान सेवा दल कमलनाथ लंगर कमेटी पनियाला की ओर से 8 सालों से लंगर लगाते हैं सारा दल हमारा। हमारे साथ कम से कम कोई 100 लोगों से ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो कि वहाँ काफ़ी सेवा भाव से कार्य करते हैं और 8 साल हमें कंटिन्यू लंगर लगाते हुए 4 दिन का लंगर होता है वहाँ पे और रात दिन कंटिन्यू चला रहता है और काफ़ी ज़्यादा लोग श्रद्धालु आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और हमें बड़ा आनंद आता है सब लोगों को। मैं ज्योति प्रकाश है, सचिव कमलनाथ सेवा दल का। ये आज हमारा 8वां जो कमलनाथ का हम लंगर लगाते हैं, 8वां जो लंगर है उसके लिए हम आज रवाना हो रहे हैं और हमारी कुठेड़ा वासियों की इस कमलनाथ लंगर से धारणा जुड़ी हुई है और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े आदि सारे इस लंगर में भाग लेते हैं और हमारी यहाँ से लोगों की अच्छी मतलब इसमें श्रद्धा जुड़ी है।